अब देखो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या किया था, लास्ट क्लास में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड का रिजल्ट डिराइव किया था, और वहां पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करी थी किसकी, एक लाइन चार्ज के कारण। और रिजल्ट याद होगा वहां पे जो हमने लाइन चार्ज कंसिडर किया था वो इनफाइनाइट लॉन्ग था, ये एंड था प्लस इंफिनिटी और ये एंड किधर जा रहा था, माइनस इंफिनिटी की ओर। तो वहां पे हमने क्या डिफाइन किया था, वहां पे हमने डिफाइन किया था कि अगर कोई इनफाइनाइट लॉन्ग लाइन चार्ज है और उस चार्ज से हमने क्या किया था, डी डिस्टेंस पे एक पॉइंट लिया था, और डी डिस्टेंस पे जब पॉइंट यहां पे लिया था तो जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो ऊपर की ओर निकल के आई थी, उसका केवल वाई कंपोनेंट था, और जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड थी उसका फॉर्मूला था 2k लैम्डा बाय डी। देखो यही था कि नहीं था वहां पे। तो इससे पहले हम लोग लास्ट क्लास में ये रिजल्ट वहां पे डिराइव कर चुके थे, है कि नहीं। तो ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, और कई बार जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो इस फॉर्मूले को वहां पर हम क्या करेंगे, डायरेक्ट यूज करेंगे। तो अगर हमारे पास कोई इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है और उस पर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी डी डिस्टेंस पे उसकी वैल्यू होगी 2k लैम्डा बाय डी। अब नेक्स्ट वहां पे हेडिंग डालो, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सेमी इनफाइनाइट वायर। अभी हमने बात कही थी कि वायर कैसा था, इनफाइनाइट लॉन्ग था। अब नेक्स्ट रिजल्ट में हम किसकी बात कर रहे हैं कि जो वायर है वायर का एक एंड फाइनाइट है, तो जो वायर है उसका एक एंड फाइनाइट है और दूसरा एंड हमारा क्या है, इनफाइनाइट है। अब वायर तो मेरा यहां पे सेमी इनफाइनाइट है, लेकिन किस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इस एंड से डी डिस्टेंस पे फाइंड आउट करनी है। तो इससे पहले जो हमने वायर कंसिडर किया था उसके दोनों एंड इन्फिनिटी की ओर जा रहे थे, लेकिन अब जब मैं इस वायर की बात कर रहा हूं तो इसका एक एंड फिक्स्ड है और दूसरा एंड तुम्हारा क्या है, इनफाइनाइट है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमें कहां फाइंड आउट करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमें फाइंड आउट करनी है फिक्स्ड एंड से डी डिस्टेंस पे। अब रिजल्ट वहां पे याद होगा कि जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट की थी तो वहां पर हम लोग फॉर्मूला यूज करते थे K³/r², लेकिन वहां पे क्या लिखवाया था कि ये फॉर्मूला जो है ये फॉर्मूला केवल एप्लीकेबल है स्मॉल एलिमेंट के लिए या पॉइंट चार्ज के लिए। तो अगर मुझे इस फॉर्मूले को यहां पे अप्लाई करना है तो हम अप्लाई कैसे करेंगे, सबसे पहले यहां कहीं हमने एक्स डिस्टेंस पे इस तरह से dx थिकनेस का एक एलिमेंट लिया था, फिर वहां पे हमने एजम्पशन क्या लिया था कि जो भी चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और डेंसिटी वहां पे क्या थी, लैम्डा थी। अब डेंसिटी अगर लैम्डा होगी तो इस स्मॉल एलिमेंट पे जो चार्ज था dq की वैल्यू क्या हो गई, लैम्डा इंटू dx। याद है लैम्डा को हमने क्या डिफाइन किया था, लैम्डा को हमने डिफाइन किया था चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो अगर मैं dx लेंथ की बात कर रहा हूं तो चार्ज वहां पर हो जाएगा लैम्डा इंटू dx। अब ये जो एलिमेंट हमने कंसिडर किया यहां पे, ये एलिमेंट मेरा स्मॉल है। अब इस स्मॉल एलिमेंट को अगले स्टेप में हम क्या ट्रीट करेंगे, पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट करेंगे। अब इसके कारण यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन क्या होगा, तो हम कैसे फाइंड आउट करते थे, किसी पॉइंट पे अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन फाइंड आउट करना है तो वहां पर हम एक टेस्ट चार्ज को लाके प्लेस करते थे। टेस्ट चार्ज एक तो पॉजिटिव होता है और टेस्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड भी कैसा होता है, स्मॉल होता है। तो वहां पे हम लोग क्या बोलते थे कि किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हमने किसी पॉइंट पे टेस्ट चार्ज को लाके प्लेस किया है तो जिस डायरेक्शन में टेस्ट चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करता है वही डायरेक्शन वहां पे किसका होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का होता है। तो यहां पे अगर मैं कोई टेस्ट चार्ज को लाके प्लेस करूं Q0 को, तो ये जो चार्ज रहेगा, ये जो चार्ज है वो इस चार्ज के ऊपर इस डायरेक्शन में रिपल्सिव फोर्स अप्लाई करेगा। और हम लोगों ने क्या डिफाइन किया था, जो डायरेक्शन फोर्स का होगा वही डायरेक्शन वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का होगा, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अभी हम कैलकुलेट कर रहे हैं किसके कारण, एक स्मॉल एलिमेंट के कारण।
देखो है कि नहीं है वहां पर। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डी है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक स्मॉल एलिमेंट के कारण है। मान लो ये एंगल कितना है थीटा। अब ये डिस्टेंस एक्स, ये डिस्टेंस डी, तो ये डिस्टेंस हो गया था वहां पे अंडर रूट ऑफ डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। और जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे निकल के आई थी, बताओ उसकी वैल्यू क्या निकल के आई थी। जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है यहां पे एक स्मॉल एलिमेंट के कारण, बताओ डी की वैल्यू क्या निकल के आई थी। डी की वैल्यू निकल के आई थी के डी क्यू, के डी क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का मतलब हो गया अंडर रूट डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है कि नहीं। डी क्यू को अगले स्टेप में क्या लिखा था, डी क्यू को अगले स्टेप में हमने लिखा था लैम्डा इंटू डी एक्स, तो ये हो जाएगा के लैम्डा डी एक्स अपॉन डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। देखो यही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है कि नहीं है। अब वहां पे हमने क्या डिफाइन किया था कि ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी थीटा। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कंपोनेंट आएगा डी ई कॉस थीटा, और इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का एक और कंपोनेंट आएगा डी ई साइन थीटा। तो जिस पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहे हैं वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वाई कंपोनेंट भी है और वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट भी है। क्लियर? तो अब तुम क्या बोलोगे, जिस पॉइंट की हम बात कर रहे हैं उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एक्स कंपोनेंट है उसकी वैल्यू हो गई डी ई साइन थीटा, और अगर हम y कंपोनेंट की बात कर रहे हैं तो y कंपोनेंट वहां पे क्या हो जाएगा, y कंपोनेंट हो जाएगा वहां पे डी ई कॉस थीटा। देखो एक नहीं वहां पे। अब बताओ यहां पे तो ऐसे नंबर ऑफ स्मॉल एलिमेंट हैं और सभी एलिमेंट के कारण अगर यहां पे देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का x कंपोनेंट भी आएगा लेफ्ट की ओर और y कंपोनेंट कहां आएगा, ऊपर की ओर आएगा। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पूरे वायर के कारण कैलकुलेट करनी है, तो एक स्मॉल एलिमेंट के कारण मालूम है। अब ऐसे यहां पे नंबर ऑफ स्मॉल एलिमेंट है तो टोटल के लिए इसको हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। अब वैल्यू अगर पुट करोगे तो रिजल्ट वहां पे हो जाएगा डी ई एक्स, डी की वैल्यू पुट करोगे तो ये हो जाएगा के लैम्डा डी एक्स साइन थीटा अपॉन डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। और इस साइड अगर जाओगे तो वैल्यू क्या चेंज आएगा, केवल हो जाएगा के लैम्डा डी एक्स इंटू कॉस थीटा अपॉन हो जाएगा डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। देखो एक ही नहीं होगा। अच्छा अब यहां पे हमें एक स्मॉल एलिमेंट के कारण मालूम है, टोटल की हमें इसे इंटीग्रेट करना है, लेकिन जब इसको इंटीग्रेट करने जाओगे अब बताओ क्या क्या चीजें वेरी कर रही है। तो यहां पर एक्स भी वेरी करेगा, एक एलिमेंट अगर यहां पर लोगे तो उसके लिए x भी अलग होगा, एंगल भी क्या होगा अलग होगा। तो वहां मैंने क्या लिखवाया था लास्ट क्लास में कि अगर मुझे इंटीग्रेट करना है इस इक्वेशन को, d डिस्टेंस तो कांस्टेंट है तो d के लैम्डा कांस्टेंट है, तो या तो हम रिजल्ट को x को इन टर्म्स ऑफ थीटा लेके आ जाएं या फिर थीटा को हम लिख दें इन टर्म्स ऑफ x। तो हमने क्या किया था वहां पर, हमने वहां पर यूज किया था रिजल्ट tan थीटा, और tan थीटा को हमने क्या बोला था, tan थीटा को हमने बोला था परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो रिजल्ट आ गया था x इक्वल्स टू d tan थीटा। फिर अगले स्टेप में हमने क्या किया था, जो चीज हम सब्सटीट्यूट करते हैं उसी को वहां पे हमने डिफ्रेंशिएट किया था। तो इसी x को अगर थीटा के साथ डिफ्रेंशिएट करोगे तो dx बाय d थीटा क्या हो जाएगा, d tan थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, sec स्क्वायर थीटा आ गई। तो dx की जगह हमने पुट किया था d sec स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, तो dx की जगह और x की जगह वैल्यू पुट करो। तो पहले मैं इस इक्वेशन में पुट करता हूं वहां पे, तो इस इक्वेशन में अगर पुट करोगे तो ये हो जाएगा डी ई एक्स के लैम्डा साइन थीटा। dx की जगह क्या पुट करना है, dx की जगह पुट करना है d sec स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। देखो है कि नहीं है, अपॉन अपॉन हो जाएगा d स्क्वायर, x की जगह हमें पुट करना है d tan थीटा, तो पुट करो x की जगह d tan थीटा, तो
तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं डी स्क्वायर तो बाहर आएगा और बचेगा क्या, बचेगा वहां पे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा। तो ये sec स्क्वायर थीटा, ये sec स्क्वायर थीटा क्या हो गया, कैंसल आउट हो गया। अब बताओ sec स्क्वायर थीटा कैंसल आउट हुआ तो जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड का x कंपोनेंट है एक स्मॉल एलिमेंट के कारण, अब वहां पे क्या हो गया k लैम्डा, एक d वाली टर्म भी कैंसल आउट होगी तो k लैम्डा बाय d तो बाहर आ जाएगा, बचेगा केवल क्या, बचेगा वहां पे sin थीटा इंटू d थीटा। चेक करो आ रहा है कि नहीं आ रहा, sec स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा कैंसल आउट हुआ, एक d भी तुम्हारा वहां पे क्या हो गया, कैंसल आउट हो गया। तो अब मैं यहां पे इसको इंटीग्रेट करूंगा, तब बताओ कहां से कहां इसको इंटीग्रेट करें। तो डायग्राम को देखो, थीटा जो एंगल है ये एंगल मैंने मेजर किया है विद द वर्टिकल, यही एंगल थीटा ही नहीं है। जब मैं इस लाइन को पास में लेकर जाऊंगा तो थीटा की वैल्यू जीरो हो जाएगी, और जब मैं इंफिनिटी पे जाऊंगा तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 90। तो इसका मतलब है कि मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा जीरो से लेके 90 डिग्री तक। अब इंटीग्रेट करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट हो जाएगा के लैम्डा बाय डी। अब बताओ कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन क्या था, कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा था, कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा, तो साइन थीटा का क्या हो गया, माइनस कॉस थीटा, और इसको इंटीग्रेट करो जीरो से लेके 90 तक। तो जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका एक्स कंपोनेंट हो जाएगा के लैम्डा बाय डी माइनस